हाय, अस्सलाम वालेकुम। सुल्ताना की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पूरी सब्जी, झटपट सी, फास्ट एंड फास्ट, अपने स्टाइल में। और इसके लिए हम सबसे पहले अपना ये लाल मिर्च लेंगे, 2 टेबल स्पून, और नमक स्वाद अनुसार। टमाटर है हमारा एक, और ये हमने हल्दी ली है 1 टीस्पून। फिर हरा धनिया, और ये हमने मेथी और कलौंजी ली है। और इसके बाद ये हमने लाल कुटी वाली मिर्च ले ली है अलग से, और ये हमने अशोक का एवरेस्ट वाला जो मसाला होता है सब्ज़ी वाला वो लिया है, और इसी में हमने गर्म मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर दिया है। और ये हमारी सब आलू काटे हुए, उसके बाद देखिए क्या होता है। और ये हमारा तेल गर्म हो रहा है, उसमें अपनी कलौंजी और मेथी डाल देंगे। हमारी मेथी अब तक ही गर्म होती है, उसके बाद हम इसमें अपने आलू डाल देंगे। और ये टेस्टी वाली सब्जी बनेगी। और इसमें लाल मिर्च डाल देंगे, और इसमें अपना नमक डाल देंगे हम, और हल्दी, और इसमें टमाटर भी डाल दिया हमने, और ये लाल मिर्च कुटी हुई। सब्जी मसाला और गरम मसाला मिला के हमने इसमें डाला है। और हमारी सब्जी भुन रही है, उसमें हमने लाल मिर्च ऐसे काट दिए। हरे मिर्च जो होते हैं, जो हरी मिर्च ज़्यादा स्टोर हो जाती है वो रेड हो जाती है, वो मार्केट से अवेलेबल नहीं है, हमारी फ्रिज में ही अवेलेबल थी तो हमने डाल दिया है। इसमें मिर्च ऐसे फाड़ के डालेंगे, और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है खाने में। और सब्जी पूरी में ऊपर से मिर्चें खाएँ साथ में कच्चे, बहुत अच्छे लगते हैं। हमारी सब्जी भुन रही है, सब्जी में हल्का सा पानी थोड़ा सा बिल्कुल डालेंगे, उसके बाद हम अपनी मलाने के लिए रख देंगे, और जब तक अपनी पूड़ियाँ तैयार करेंगे हम। और ये हमने थोड़ा सा डाल दिए, इसको हम ढक के 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं, जब तक हमारे आलू गल नहीं जाते। और उसके बाद हम अपनी पूरी ट्राई करेंगे, पूरी बनाएंगे। और ये हमने अपनी यहाँ सब्जियाँ ट्रांसफ़र कर दी है, और हमारी ये तेल गर्म होने पे लग दिया है, और हमारा आटा रेडी है। खुशी निकाल के अपनी आटा हम अपना रेडी करेंगे जल्दी से। और ये हमारा पूड़ी के लिए हमने आटा पहले से घून के रख दिया था, और एक्स्ट्रा फ्लावर लगा लगा के हम काटते जाएंगे थोड़ी थोड़ी सी पूड़ी है। ये बड़ी बड़ी नहीं बनाना है, छोटी बनाएंगे इसकी, लेकिन हम तरकीबें देखिए आप, बस थोड़ी थोड़ी सी हमने एक्स्ट्रा फ्लावर में इसको डाल लिया है, उसके बाद हम इसकी चंगेल ऐसी बना लेंगे। और हमारी सब्जी हमने 2-3 मिनट के बाद देख रहे हैं इसको, लेकिन अभी हमारे आलू जो है वो गले नहीं, हम देख सकते हैं। इसको हम छोड़ देंगे अभी, और ये हमने थोड़ी देर के लिए और रख दिया है इसको, थोड़ी देर और पकाएंगे इसको। और ये तेल हमारा हो रहा है, और हमारी पूड़ी पिल रही है, आप देख सकते हैं 2 पूड़ी हमारी रेडी हो गई है बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये पूड़ी को हमने डाल दी है इसमें, ऐसे करते रहेंगे, किनारे किनारे प्रेस करने से हमारी जो पूड़ी होती है ना वो फूलती है, जो उसकी किनारों पे आप दबाते रहें चम्मच, इसको प्रेस करते रहें, हल्की हल्की फूलती जाएगी। और ये हमारी पूड़ी जो है वो देख सकते हैं बन रही है। भटूरा टाइप की पूड़ी बनाई हमने, इसमें थोड़ा सा मैदा भी ऐड करा था हमने आटे में। ऐसे हिला हिला के बनाएंगे। ये देखिए हम ऐसे प्रेस करेंगे, हमारी पूड़ी जो है फूल जाएगी, फूल गई है हमारी पूड़ी, गुप्पे जैसी फूल गई है देखिए। हमारी पूड़ी जो है वो रेडी हो गई, मैं इसको निकाल लेंगे अब।
और ये जब तक हमारी तीसरी बिल रही और दो हमारी यहाँ पे आ गई हैं पहली। अच्छा चम्मच को हम गोल गोल ऐसे करते रहेंगे यूं करके यूं करके, और हमारी चौथी पूड़ी है बन रही है, और उसके बाद हमारी सब्जी भी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है लो फ्लेम पे बिल्कुल। हमारे आलू थोड़े से रह गए गलने में, गल गए हैं बस, हल करके आप देख सकते हैं। और दो मिनट के लिए इसको और रख देंगे, उसके बाद हमारे आलू गल जाएंगे, उसके बाद हम अपनी प्रेजेंटेशन करेंगे। हमारी पूरी तो बिल्कुल रेडी हो गई है वैसे, और काफ़ी ब्राइट मज़े का कलर आ गया इसका, हमारी सब्जी का। और इसमें अपनी हरा धनिया डाल देंगे, और ये लीजिए हमारी ये पूरी सब्जी रेडी हो गई है अपने स्टाइल में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, उन लोग को भी आगे कहिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, उससे हमारी वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहेंगी। और ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, और कमेंट करके बताते रहिए आगे आपको क्या चाहिए। और दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।